लो जी पहले ट्राई करते हैं आलू वाला पराठा। देखिए यार ये बड़ा रोटी की तरह का बड़ा ना ये है, आमले लगने जा रहा है। यार हरिद्वार को नाश्ता करता हूँ आके, बहुत अच्छा साफ सुथरा माहौल है इनका। अच्छा ये ले जी आमलेट वाला पराठा। एक आलू वाला एक मूली वाला ना, मूली वाला। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मौजूद हूँ अब्बासी टी साल के पास। इसका नाम काफ़ी मैंने सुना है, ये अनारकली बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पे स्पेशल पराठा और चाय बनाई जाती है। पराठे में ये बनाते हैं ज़्यादातर मीठा पराठा है, मूली वाला पराठा है, गोभी वाला पराठा है और आलू वाला पराठा है, चिकन वाला पराठा है। इसके अलावा इनके पास चाय भी है, आमलेट भी है और फ्राई भी देते हैं। देखते हैं इनका किस तरह का जायका है। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि इस लेफ़्ट साइड पे जो है लेडीज़ बैठी हुई हैं, मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। सामने बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर हाल लगा हुआ है, हाल में भी ज़्यादा रश है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक बंदा कैमरा लेके खड़ा हुआ है, इनको कवर कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये मशहूर है भाई। आमतौर पर तमाम होटलों में जो है पराठे बनाने का तरीक़ाकार सेम होता है, मगर आप इधर अब्बासी टी स्टॉल में चेक करें तो यहाँ पर पेड़े की जो मोटाई है मकदार, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास कितनी ज़्यादा है। आप चेक कर सकते हैं कि दो रोटियों के बराबर एक पराठा बनाया जा रहा है। आप चेक करें सामने, ये आलू है, आलू और ये मूली, ये मूली वाला और गोभी, वो गोभी है और वो चिकन पड़ा हुआ है। तो ये चने की दाल का जो है पराठा बनाया जाता है। अब चेक करें कि मेरे सामने भाई जो है वो आलू वाला पराठा लगा रहा है, और देखें उसने कितना आलू जो है, आलू का जो सालन है इसमें कितने ज़्यादा डाला है। आमतौर पर देखा जाता है कि आलू वाला पराठा हो या जो भी सादा पराठा हो, वो इतनी ज़्यादा मोटी तह वाला नहीं होता, ना ही उसमें ज़्यादा आलू डाले जाते हैं। तो चेक करें कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मकदार में और मोटाई के साथ और इसमें ज़्यादा जो है चीज़ें डाल के आपको पेश की जाती हैं। यही सबसे बड़ी अब्बासी टी स्टॉल की खासियत है। अब्बासी टी स्टॉल के बारे में, पराठों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये किस तरह के बनाते हैं? हरिद्वार को नाश्ता करता हूँ आके, बहुत अच्छा साफ सुथरा माहौल है इनका। अच्छा, और जायका भी अच्छा है। जगह अच्छा है, अच्छा। इनकी चाय भी बड़ी जबरदस्त है। चाय क्या हर चीज, ये अंडा बनाते हैं, अंडा पकौड़ा बनाते हैं, अच्छा मूली वाला बनाते हैं, दाल वाला, बहुत अच्छा है। वैसे भी पठान भाई दिल के बड़े अच्छे होते हैं ना, तो मेहनत से दिल लगा के काम करते हैं। अब मेरे सामने जो है अब्बासी टी स्टॉल की सबसे बड़ी खास चीज़, रोटी से बड़ा जो है वो आमलेट लगने जा रहा है। चेक करें ये कैसे बनाते हैं। इसमें आपने कितने अंडे डाले हैं? 10 अंडे। ये आमलेट बनाने जा रहे हो आप? देखिए यार ये बड़ा रोटी की तरह का बड़ा ना ये है, आमलेट लगने जा रहा है। आप देखें किस तरह इस आमलेट को एक बड़ी रोटी की शक्ल दी गई है। अभी थोड़ी देर तक जैसे ही आमलेट पकता है तो इसको तकरीबन 10 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और इसको प्लेटों में डाल के लोगों को पेश किया जाएगा। अब चेक करें ये किस तरह प्लेटों में डालते हैं और उसकी खूबसूरती इससे कैसे बढ़ जाती है। आया जी रखो जी, सादा निकाल। मेरे सामने जो पराठे तैयार हो रहे हैं ये सबसे लजीज किस्म के पराठे हैं, जिसे आमलेट पराठे कहा जा रहा है। आमलेट पराठे आप देख लें किस तरह पकाए गए हैं और इनकी शक्ल और इनकी खूबसूरती से, इनकी चमक से पता चल रहा है कि ये कितने लजीज होंगे। अब्बासी टी स्टॉल की एक ख़ास वजह ये भी है कि यहाँ रोज़ाना 2000 से ऊपर दूध पत्ती चाय के कप बनाए जाते हैं। सामने आप लोगों का रश चेक करें। और
वाला पराठा कितने का दे रहे हो आप? 70 रुपए का दे रहे हो। और सादा पराठा 35 का। और चाय कितने की दे रहे हो? चाय 35 का, चाय 35 दूध पत्ती 40 रुपये। सादा चाय 35 की और दूध पत्ती 40 रुपए की, 5 रुपए का चक्कर। अच्छा, तो ये आमलेट कितने का दे रहे हो? आमलेट 35 का और फ्राई अंडा 30 का। फ्राई अंडा 30 का, आमलेट 35 का। ठीक है, 30 रुपये करवा दे। बड़ा सस्ता है ना। सगी वाला मैंने दे दिया यार, तो ये लगा बोतल नहीं, वहाँ सॉफ्ट बोतल दो भूल कर दे बीच में। चलो मेरे चला दो ये बर्तन वाले। नहीं नहीं क्या सामने लेके आ रहे वो भूल कर दे। इधर का बर्तन वाला, इसका पता है कितना साल हो गया इसका? टोटल में 18 साल हो गया इसका काम करते हैं। ये आपके पास 18 साल से खाने आ रहा है? नहीं खाने नहीं, इधर काम कर रहे 18 साल से। ये ले जी, हमारे पास ये आमलेट आ गया, ये चाय आ गई, ये रायता है, ये फुल फ्राई है, और ये आलू वाला पराठा है। हाँ, ये आलू वाला पराठा है, और ये दाल वाला पराठा है। बाकी जो पराठे हैं वो अब सारे पराठे मैं ट्राई तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सारे पराठे लूँगा तो वो सारे ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि इतनी भूख नहीं है। बस मैंने जिसको इनको जस्ट ट्राई करना है और इनका टेस्ट बताना है कि ये किस तरह का इनका टेस्ट है। तो लो जी, पहले ट्राई करते हैं आलू वाला पराठा। ये ले जी आलू वाला पराठा। इसको इसके साथ भगोते हैं आलू वाला पराठा। टेस्ट अच्छा है इसका, ज़्यादा महसूस भी नहीं हो रहा यार। जिनको मैदे का मसला होता है, इनको तेजाबीत का इशू होता है, उनको ज़्यादा ये महसूस नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये मुझे महसूस होगा, मगर नहीं हुआ महसूस मुझे। इसको अब आमलेट के साथ भी ट्राई करते हैं आलू वाले पराठे को। फ्राई के साथ इसको ट्राई कर लेते हैं। फुल फ्राई भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। वाह, उसके बाद ट्राई करते हैं ये दाल वाला पराठा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बिल्कुल दाल है, ये देखें दाल है इसमें। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये आलू आलू वाला पराठा है इसमें। नहीं रहे ठीक है ये। अब हमने ये ले लिया दाल वाला। अब इसको आमलेट के साथ ट्राई करके देखते हैं। ये ले जी, ये आमलेट वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। एक तो पठान भाई हैं, ऊपर से इनकी मेहनत और प्यार से चीज़ें बनाते हैं, टेस्ट इसमें वाकई नज़र आ रहा है। उसके साथ इसको फुल फ्राई के साथ ट्राई करके देखते हैं। माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अच्छा सुबह का नाश्ता करवा दिया मुझे, अच्छी जगह पे, ज़बरदस्त जगह है।
अब चाय को चेक करके देखते हैं किस तरह की चाय है इनकी। चाय तो भूल नहीं गए हम लोग, ये चाय है आप लोगों के पास। दूध पत्ती चाय बनवाई है, चेक करते हैं किस तरह की चाय है। यार माड़ा भी टेस्ट नहीं है इसका, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप दूध पत्ती वाली चाय की बात करें जो गांव में होती है, देसी और जो मतलब प्योर खालिश दूध होता है, उस तरह का जायका नहीं है। मगर मैंने जहाँ तक ट्राई किए हैं, एक जगह है वहाँ पे अच्छी चाय मिलती है, उसके बाद अगर किसी और जगह पे अच्छी चाय मिल रही है तो मुझे यही लग रही है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो पठान भाई है ना, पठान भाई लोग होते हैं, ये कोई भी चीज़ बेच रहे हैं ना तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है इनकी। चाहे वो खाने की चीज़ बेच रहे हैं या कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, ईमानदार होते हैं, अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं और सही चीज़ लोगों को देते हैं। तो बाकी ये जो है ना ईमानदारी इनकी चीज़ में नज़र आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दे रहे हैं। आप इनके पास आके आ जाएँ, अब्बासी टी स्टॉल है, अनारकली बाज़ार के पास ही हैं। मज़ीद भी हम लोग उनसे पूछते हैं कि इनका एड्रेस कहाँ पर है, तो ये यकीन मानेंगे यार बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ है इन्होंने। बस सुबह का नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 24 घंटे ही ओपन रहता है। दूध पत्ती चाय तो ज़बरदस्त, इसको मैं भाई 8 नंबर दूंगा 10 में से। आमलेट 8 और फ्राई 8, आमलेट भी 8 दूंगा। आलू वाला पराठा जो है इसको मैं 9 दूंगा 10 में से। और जो है दाल वाला जो पराठा है इसको जो है यार मैं 9.5 दूंगा इसको नंबर। और रायता जो है वो रायता तो आपको पता ही है सब, हर किसी के साथ दिया जाता है, तो सब मिला के अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट है। और ये तकरीबन 9 है 10 में से। आप खुद आएँ, ये तो मेरा अपना तजिया है कि मैंने आप लोगों को टेस्ट इसका बता दिया है, आप लोग खुद आएँ इसको चेक करें यार ये इनका किस तरह का टेस्ट है। ये आप लोगों से इतना ज़्यादा दूर नहीं, अनारकली बाज़ार तो आप लोग आते ही रहते हैं वैसे शॉपिंग के लिए, तो आप इन लोगों को आके ज़रूर विज़िट करें। तो यार वो मेरा पेट फुल हो गया है, मैं वैसे ही पहले सुबह का नाश्ता कर चुका हूँ, तो अब ये मेरा खाना ज़ाया नहीं होने देना। अब ये मैं खाना जो है ये पैक करवाता हूँ, और किसी जो है जो भी है जो बंदा जो भूखा है या जिसको भी है, मैं देखूँगा अगर उसको चाहिए होगा खाना मैं उसको दे दूँगा। यार ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको सही खाना नहीं दे सकता यार, ये ना ऐसा कर दो ये पैक कर दो, ये ज़ाया ना हो जाए, ठीक है? किसी को मैं पकड़ा दूँगा। अंडे भी? हाँ अंडे भी, बस चाय रख दो इधर, ये अंडे भी इसमें कर दो। शुक्रिया।